डॉक्टर यशवंत सिंह परमार नौणी विश्वविद्यालय के पुष्प एवं भूदृश्य विभाग द्वारा राखी के त्यौहार को खास बनाने के लिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली राखियां तैयार की जा रही हैं। नौणी विश्वविद्यालय द्वारा रेती, सूखे फूल, मक्की के छिल्ले व जंगलों में पाई जाने वाली प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल कर सजावटी राखियां बनाई जा रही हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक राखी बनाने का खर्चा बहुत कम आया है, पर मार्केट में 20 से 25 रुपए तक इन राखियों को बेचा जा सकता है। राखी बेचकर इकट्ठा किए जाने वाले पैसे का 60% हिस्सा छात्रों में बांटा जाएगा। विश्वविद्यालय के 15 छात्र छात्राएं ईएलपी प्रोग्राम के अंतर्गत ड्राई फ्लावर व वैल्यू एडिशन में भाग ले रहे हैं, जिसमें इन्हें ड्राई फ्लावर व अन्य प्राकृतिक उत्पाद से सजावटी सामान बनाना सिखाया जा रहा है। ये बीएससी हॉर्टिकल्चर का एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम है, जिसमें बच्चों को सुखाए हुए फूलों से राखी बनानी बताई जा रही है। बच्चे फूलों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें सुखाते हैं और उससे अलग अलग तरह की सुंदर डिज़ाइन की राखियाँ बना रहे हैं। ये राखियाँ बिल्कुल ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और हमारी लैब से ही इनकी सेल की जा रही है। राखी को बनाने में मात्र 5 से 6 रुपए का जो खर्चा हमारा आता है, लेकिन हम ये राखी 20 से 25 रुपए की, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का वो डिज़ाइन बना है, बेच रहे हैं। इस प्रोग्राम में अभी हमारे पास 15 स्टूडेंट्स आए हैं और वो लोग राखी बना रहे हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार वैज्ञानिक वानिकी विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में ईएलपी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। कमर्शियल फ्लोरिकल्चर में हमारे पास 5 सब मॉड्यूल है, उनमें एक मॉड्यूल है ड्राई फ्लावर्स और या वैल्यू एडिशन। इसमें हम बच्चों को तरह तरह के ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट और कार्ड बनाना, राखी बनाना और अरेंजमेंट, वॉल हैंगिंग्स या जो भी हम कई तरह के और भी स्पेसिमेन तैयार करते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन 26 अगस्त को आने वाला है। हम लोग यहाँ पर फूलों से या प्लांट्स प्रोड्यूस के द्वारा जितनी भी क्रिएशन हो सकती है राखी बनाने में, इन बच्चों द्वारा तैयार कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो लोकल लोग हैं इसमें यहाँ विभाग से राखियाँ खरीद सके। और ये राखियाँ बहुत सस्ती, केवल महज 20 से 25 रुपए की एक राखी पड़ती है और इन इस कमाई का 60% इन बच्चों में के बीच में बांट दिया जाता है। यह प्रोग्राम पिछले लगभग 5 साल से चल रहा है और बच्चों को अपने पाँव पे खड़े होकर, कल को ये बच्चे अगर अपने आप भी इस तरह का बिजनेस करना चाहे तो सरकारी नौकरियों के बजाय अपने आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ में कई लोगों को, जो भी लोग बेरोजगार हैं जिनके घर में जमीन नहीं है, उनको भी जॉब दे सकते हैं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सोलन से मोहिनी सूद की रिपोर्ट।